बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ससुर किचन में खुश आमदीद। तो ले व्यूअर्स, ये है हमारा कुर्बानी का जानवर। तो अब मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा इसकी कुर्बानी करने लगे हैं। कुर्बानी करने से पहले इसको पानी पिला रहे हैं। बकरे को तकबीर फेर ली है। उसकी वीडियो मैंने आपके साथ कुछ शेयर नहीं की क्योंकि मुझे खुद देख कर डर लगता है। अभी मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा बकरे की खाल उतार रहे हैं। और आज आपसे मैं और भी बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ें शेयर करूंगी क्योंकि मेरा छोटा बेटा है, उसके फ्रेंड्स आते हैं और वो बारबेक्यू करते हैं। तो उसकी सारी वीडियो भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगी, आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। ये देखिए, बकरे की खाल उतार ली है और अब इन्होंने गोश्त बनाना स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए, मैंने इनसे बोला है कि सबसे पहले मुझे कलेजी बना कर दें ताकि मैं कलेजी को बनाऊं। कलेजी बनाकर इस पर ख़त्म दिलवाते हैं। देखिए, अब उन्होंने गोश्त को छोड़ के कलेजी बनाना स्टार्ट कर दी है। तमाम यूट्यूबर्स फैमिली और आल मुस्लिम को मेरी तरफ़ से दिली ईद मुबारक, और अल्लाह ताला आप सबको सदा ऐसी खुशियां देखना नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। कलेजी पेपर बन चुके हैं, मैंने इसको पकने के लिए देचकी में रख दी है। अब सबसे पहले इसको पकाएंगे और फिर इस पर ख़त्म दिलवाएंगे और फिर बाद में इसको हम खा लेंगे। ये देखिए, बकरे का सारा गोश्त बन चुका है। अब मैं इसके हिस्से करूँगी और जो अपने घर का हिस्सा बचेगा उससे मैं अपने छोटे बेटे को बारबेक्यू के लिए गोश्त दूँगी और वो बारबेक्यू करेंगे और उसकी वीडियो आपसे वो खुद शेयर करेंगे। गाइज, वेलकम बैक टू SS फूड किचन। तो आज हम वीलॉग बना रहे हैं और हम सारे दोस्त मिल के, देखिए जमीन भाई हैं, ये साथ ही वो नफील भाई हैं, हम सारे मिलके ना बारबेक्यू कर रहे हैं और आपको अपना सेटअप दिखाते हैं। वो देखें गेटी पड़ी है, आपको पास लेके जाके दिखाते हैं। देखें ये अंगीठी पड़ी है, वो देखो वो कोयले हैं, वो कोयले हैं, अगर ऐसे सिले तो इस वजह से वहाँ पर रखते हैं। फिर ये सीखे पड़ी हैं, ये माचिस और शोपर वगैरह है। तो अभी हमारा जो चिकन है ना, वो मटन सॉरी, वो मेरे नेट होने के लिए रखा हुआ है फ्रिज में। तो कम से कम उसे ना कोई 3 to 4 hours हो गए हैं। तो अभी हम उसे निकालेंगे, तो आप बाद में आपको हम उसकी वीडियो दिखाएंगे। देखिए आपके सामने ये मैं आग जला रहा हूँ, अंदर आग जल रही हुई है। अब हमारे जैन भाई आएंगे, उन्होंने हमारे साथ बारबेक्यू में हेल्प करनी है। तो अब हम सारे मिलके बनाएंगे और ईद का फर्स्ट डे खूब इन्जॉय करेंगे। यस, तो गाइस आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखें अभी इस वक्त ना ये सीखों पे ये टिक्के लग चुके हैं और ये देखें जनाब, ये डेक का सिस्टम रखा हुआ है और ये इधर आग लग रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको भी अपडेट करेंगे। और ये देखें ये टिक्के लग रहे हैं, ये मैरिनेट हो चुके हैं। बस ये जलने जलने इनके लाए, एक लाइटर रखा हुआ है, वो माचिस सारा कुछ रखा हुआ है। इस वक्त देख सकते हैं मुझे आग नहीं थी लग रही, तो मेरे जैन भी नहीं आके आग लगा दी है। और यहाँ पे गाना ख़त्म हो गया यार, डीजे गाना लगाओ। तो अभी गाना लगाने लगे, वो देखे आग लग रही है, वो ये देखे। और वो देखे मैं आप लोगों को ये भी दिखा दूँ, वो देखे वहाँ पे मैंने सीखे तैयार करके रख दी हैं, ये देखे।
ठीक है, तैयार करके रख दिए हैं जनाब, और इस वक्त यहाँ कोयले का काम चल रहा है, तो साथ साथ आपको दिखाते रहते हैं। जब ये कोयले जल जाएंगे फिर आपसे मुलाकात होगी। इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ने इस वक्त यहाँ पे मेरे जैन भाई ने यहाँ पे ये सारे कोयले लगा रहे हैं। ये कोयले बहुत छिले थे तो यार जनाब सही तरह आग नहीं लग पा रही, तो अभी जैन भी देखे फूके मार रहे हैं वो कोयले, और वो देखे वो बैक वाला सिस्टम वो देखे वो वहाँ पे वो नीचे स्पीकर है वो देखे ये स्पीकर है, और जनाब यहाँ पे ना ये रखा हुआ है हमारा सारा सिस्टम देखें, तो आप लोगों को ऐसे अपडेट करते रहेंगे। और ये देखें जनाब ये जल रहे हैं, और जनाब इसी के साथ आप लोगों को बताते चले ये अभी थोड़ी देर में पक जाएंगे ना। हम जामिन भाई का वेट कर रहे हैं क्योंकि कोयले कम पड़ चुके हैं, के कोयले ना बहुत कम हुए, एक एक कोयले ना बहुत कम हो गए, तो कोयले कम होने की वजह से हमने ना हम सब ने ना मिल के जामिन को ना बलि का पकड़ा बनाया था और उसको भेजा था कोयले लेने, लेकिन यार आधा घंटा हो गया अभी तक वो आया नहीं है। ये देखे हम दिखा रहे हैं आधा घंटा हो गया अभी तक उसके आने का नामो निशान नहीं है, जरा पता नहीं कहाँ गुम हो गया। ठीक है, पता नहीं कहाँ रह गया यार, इतनी देर हो गई है, कसम से बड़ी देर हो गई है। दूर चले गया वो, देखो ना कोयले भी बुझ गए हैं, तो यार उसका वेट है वो आई नहीं रहा, अब हम क्या कर सकते हैं। अरे नहीं यार वो नहीं है, ये तो बस शुरुआत है, तो बस शुरुआत है, पार्टी शुरू हुई है। पीछे पीछे आओ, पीछे चलो यार, स्टेप मारो, बस बस स्टॉप स्टॉप। देखिए इस वक्त ना हमारे ये तिक्के पकड़े हैं ये जामिन भाई, ये देखे जामिन भाई ओए, ये देखे जामिन भाई। जनाब आप लोग ये देख सकते हैं हमारे तिक्के तैयार हो गए हैं, और ये जामिन भाई हमारे तिक्के बहुत अच्छे शेफ है जनाब, हमारे तिक्के बना रहे हैं यार भाई, बहुत मजा आने लगा है। अभी वो देखे जनाब चटनी का भी इंतजाम करके रखे, वो देखे चटनी, और जनाब अभी आपको 2 मिनट तक बस ये थोड़े से पक लें, फिर आपको खा के बताते हैं इनका टेस्ट कैसा है। यार वो वहाँ जाएगा, ऑयल लगाया, अब थोड़ी सी हवा की जरूरत है जनाब। ये देखे ईशल भाई हमारी वीडियो बना रहे, बहुत अच्छे कैमरा मैन है यार ईशल भाई, अपना भी तो दिखाओ यार भाई, बहुत ओपी बनने लगे। अभी आपको खा के बताएंगे कि इनका टेस्ट कैसा है, टेस्ट कमाल होना चाहिए, नहीं तो 2000। तो यार ये देखे हमारे तिक्के, ये देखे जनाब बन चुके हैं, अभी देखे खाने लगे हैं हम, देखे तिक्का इसे ऐसे डुबोया, मुझे दिखाओ भाई ये बोल, ये खा के हम दिखाते हैं अब आपको। देखो ओपी, ओ भाई ओपी, जमीन भाई कैसे बने हैं, बहुत कमाल। हाँ ओपी बने, मैंने बनाए जाहिर बात है कमाल ही बने होंगे ना भाई, ऑयल ना डालो, ऑयल ना डालो, यही रह गए भाई, और भी टेस्ट है सुना हम लोग, ले लो आपके ये यही बैठ रख दो सर, वेट
कैसा टेस्ट है यार? बहुत कमाल, बहुत कमाल, लजीजा। इंशाल्लाह अगली बार आपसे अल्लाह मुलाकात होगी, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो। आप सबका ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।